अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ गोंदल और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा कफ़ील बेग। नाज़रीन, जेलम के लोगों के लिए मिड टाउन के जो ओनर हैं उन्होंने कुछ तबरकात कुछ ज़्यारतों का अहतमाम किया है कि जो अहले इस्लाम है वो इनकी जो है वो ज़्यारतें कर सकें। मेरे साथ इस प्रोग्राम के जो इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन सी जो तबरकात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रोग्राम जो है वो कितने दिन जारी रहेगा, कब तक लोग जो है इनकी ज़्यादत कर सकेंगे। जी बताइएगा तफसील। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें इन ज़्यारतों से नवाजा है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हरम पाक का परनाला शरीफ, ये अलम शरीफ हज़रत अली औरना, और ये जिसमें चाबी वगैरह रखते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ुल्फ़े मुबारका, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुम्बद मुबारक है ऊपर वो सुनहरी कलर का लगा हुआ है, वो दो साल बाद चेंज करते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें गिफ्ट पाकिस्तान के सादात फैमिली है उनको मिला है और हम तक पहुंचा है। और उसके बाद जो हरम पाक है उसका गिलाफ़े काबा जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है उनके ऊपर जो गिलाफ है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत के लिए हमारे पास पहुंच गया है। इंशाल्लाह ज़िला जेलम और दीना के वस्त में मिड टाउन है, उसमें तीन दिन के लिए ज़ियारात के लिए वहाँ पर रखा जाएगा। तमाम मुसलमान और दोस्त अहबाब और जानने वालों को ये दावत दी जाती है कि आए ज़ियारात करें और सवाब दारान हासिल करें। जी बिल्कुल, ये जो 9, 10 और 11 मार्च को तीन दिन जो है ये तबरकात मौजूद होंगे, जो लोग भी ज़्यारत करना चाहें वो मिड टाउन जीटी रोड जेलम पर आकर इन तबरकात की जो है वो ज़्यारत कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।